एक बहुत ही सरल सा प्रयोग है और इससे पानी और हवा के कुछ गुणधर्म हम जानेंगे। इसके लिए आपको एक फिश टैंक और एक प्लास्टिक का ग्लास चाहिए। फिश टैंक को करीब आप 3/4 पानी से भरें, उसके बाद एक पतला प्लास्टिक का ग्लास लें, उसके पेंदे में एक छेद बनाएं, ये नीला वाला एक छेद है पूरा, छेद को अपनी उंगली से बंद करें और उसको उल्टा करके सीधा पानी में डुबोएं, जिससे कि ग्लास नीचे पेंदों को जाके छुए। उसके बाद जैसे ही आप छोड़ेंगे, ग्लास एकदम सक्शन कप जैसे पेंदे के साथ चिपक जाएगा। ग्लास के अंदर हवा है, हवा बाहर निकलेगी बुलबुले के रूप में और पानी अंदर आएगा। और देखिए, जैसे ही ग्लास पूरा पानी से भरेगा, उसका घनत्व तो पानी जितना हो जाएगा और वो ऊपर उठ जाएगा। एक बार हम इसको फिर दोबारा देखेंगे, नीचे के छेद को ग्लास के बंद करके उसको सीधे नीचे का जो टैंक है उसके फर्श के साथ में जाके दबा दीजिए और ग्लास एकदम सक्शन कप जैसे वहां चिपक जाएगा। वो थोड़ा सा विकृत भी हो जाएगा, अंदर पानी आएगा ग्लास के और उसमें से हवा के बुलबुले बाहर निकलेंगे, जो देखने में बेहद ही सुंदर नजर आएंगे। और धीरे धीरे करके ग्लास का जो विकृत रूप था वो भी ठीक हो जाएगा, और जैसे ही ग्लास पूरी तरह से पानी से भरेगा, उसका घनत्व भी बाहर के पानी जितना हो जाएगा और वो ऊपर तैर करके सतह तक आ जाएगा। ये बहुत ही सुंदर सा प्रयोग है जिसको हम बिल्कुल सरल चीजों के साथ में कर सकते हैं।